भागलपुर जिला अंतर्गत सबौर थाना क्षेत्र के सरधो गांव से विगत कुछ दिनों पूर्व दो बच्चों की मां अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के संग फरार हो गई। वहीं इस महिला के पति धनंजय ठाकुर ने बताया कि मैंने 2012 में गोड्डा जिला अंतर्गत महगामा गांव निवासी नंदन ठाकुर की पुत्री राखी से प्रेम विवाह किया था। इस घटना से पूर्व भी एक बार मेरी पत्नी किसी के साथ घर से भाग गई थी, फिर सामाजिक स्तर से समझा बुझा कर मैंने इसे स्वीकार कर लिया था, परंतु इस बार तो मेरी पत्नी नकदी लाखों रुपये और घर का सारा जेवरात और दोनों बच्चों को लेकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अपने स्तर पर मैंने काफी खोजबीन की परंतु उसका कहीं पता नहीं चला। वे कहते हैं कि अब मैं दूसरी शादी करूंगा किसी भी कीमत पर, अब मैं राखी को स्वीकार नहीं कर सकता। बहरहाल पति ने सबौर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। हम अपने स्तर से पता किए, पता करते करते जो है कि लाल पता चला दो तीन दिन पहले, इस तरह जो है हुआ है उसके साथ में गई। तो इसके पहले भी कभी भागी थी घर से? यही लगा कि दो मर्द तक हुआ। तो पहले आप क्या कार्रवाई किए थे? ये कार्रवाई किए थे सामाजिक तौर पर, वो एक्सेप्ट कर लिया आप। जी। कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे हैं, एक 9 साल का है, एक 4 साल का। क्या नाम है बच्चा का? रॉकी कुमार, सन्नी कुमार। 2 लाख रुपया लेके गई है, 10 भर चांदी लेके गई है, 1 भर सोना लेके गई है। मतलब चांदी सोना जेवरात? हाँ, टोटल सारा चीज लेके ही चली गई है। थाने में आपने आवेदन दिया? जी, थाने में आवेदन। क्या चाहते हैं आप? हम उनको रखने के लिए नहीं चाहते हैं। भागलपुर जिला अंतर्गत एकचारी थाना क्षेत्र के टपुआ मोड़ के पास से देर रात्रि 3 अवैध कारतूस तस्कर गिरफ्तार कर लिया गया। बताते चले कि देर रात्रि एकचारी थानाध्यक्ष शैलेश कुमार गश्ती टीम के साथ टपुआ मोड़ के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे, तभी बुद्धू चक की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति सवार आ रहा था, उसे पकड़ा। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने एक विंडो लिया, 17 कारतूस, 2 मोबाइल और एक ग्लैमर मोटरसाइकिल बरामद किया है। गिरफ्तार तस्कर का नाम एकचारी थाना क्षेत्र के खवासपुर निवासी पिंटू कुमार पिता सुरजी मंडल और पीरपैती थाना क्षेत्र के कहलगांव निवासी नंदन कुमार पिता प्रमोद मंडल बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने बताया कि पूर्व में भी पिंटू कुमार का आपराधिक इतिहास रहा है, जबकि अन्य अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। चेकिंग चल रहा था, चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो लड़के सवार होकर आ रहे थे, जब उन्हें रोका गया तो थोड़ा सा भागने का प्रयास हुई, पुलिस बल के सहायता से रोक लिया गया। रोकने के बाद उनका जब बॉडी चेकिंग किया गया तो उनके पास से 17 बिंडोलिया में पैकिंग किया हुआ कारतूस पाया गया और 2 दूसरे लड़के के पैकेट से 2 कारतूस पाया गया। फिर उनको कस्टडी में लेकर थाना लाया गया। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050199341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। The cat sat on the mat.
बांका अमरपुर थाना क्षेत्र के राय पोखर नंदलाल पट्टी गांव में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद में चचेरे भाई ने अमरेश कुमार सिंह को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने अमरेश कुमार सिंह को इलाज के लिए अमरपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अमरपुर थाने की पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। विवाद हमसे कुछ नहीं था, वो अपना जमीन ना पकड़ने के लिए अमीन को लाया था, उसके बाद अमीन के सामने ही गोली मार दिया कि चलिए देख लीजिए, और कोई बात नहीं था, बोलाया और वहाँ पे गोली ही मार दिया सर। किसका जमीन था? जमीन वो अपना ही बिहार रहा था। तो कौन है वो जो आप लोग का कौन लगता है? मेरा चाचा हुआ, चचेरा भाई हुआ, गोली में मरा है चचेरा भाई हुआ। क्या नाम है उसका? उसका नाम है लक्ष्मी नारायण। स्थानीय जनप्रतिनिधि को आपने जनता की सेवा करते देखा होगा, लेकिन आज वार्ड नंबर 20 के पार्षद नंदिकेश सांदिल ने बेजुबान के लिए भी सेवा करने का संकल्प लिया है। नंदिकेश सांदिल ने वार्ड नंबर 20 के ढेबर गेट के समीप जानवरों को खाने के लिए एवं पीने के लिए अपने निजी कोष से नाद का निर्माण कराया है, जिसका उद्घाटन भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने गाय की रोटी खिलाकर की। नंदिकेश सांदिल ने कहा कि जब हम घेवर गेट के समीप से गुजरते थे तो वहां पर अक्सर देखते थे सरकारी नल को तोड़ दिया जाता था, लेकिन अब पता किए तो पता चला यहाँ पर गाय आती है पानी पीने के लिए, जब वो पानी नहीं पी पाती तो उसको अपने मुंह से तोड़ देती है। जिसके बाद हमने सोचा कि सभी लोग तो जुबान का सेवा करते हैं, लेकिन अब हमें जुबान के साथ बेजुबान का भी सेवा करना है। इसको लेकर हमने अपने निजी कोष से नाद का निर्माण करवाया और आज उसका उद्घाटन भी हो गया। उद्घाटन के मौके पर नगर निगम वार्ड पार्षद संजय सिन्हा सहित स्थानीय लोग मौजूद थे। हम लोग तो जनप्रतिनिधि लोगों की सेवा करते ही हैं, चाहे सड़क हो या नाला हो, बिजली हो, पानी हो, लेकिन बेजुबा की सेवा के लिए कोई आगे नहीं आता है। अक्सर रोड से इधर से उधर गुजरते थे तो एक नल था जिसको अक्सर देखा जाता था गाय तोड़ देती थी, तो हमारे मन में आया कि क्यों ना एक नाद बनवा दिया जाए, इसमें कुछ रुपए लगेंगे। तो गौ सेवा में हमने नाद बनवाया, हमारे मित्रगण ने भी उसको और खूबसूरत बनवा दिया। आज महापौर महोदया के शुभ हाथों से हमने गौ सेवा के लिए रोटी खिलवा कर इस नाद का विधिगत उद्घाटन करवाया है, और भविष्य में गौ माता का आशीर्वाद रहेगा तो आगे ऐसे बहुत सारे कार्य हम करते रहेंगे। कि अक्सर लोग जुबान वाले लोगों के लिए मेहनत करते, बेजुबा के लिए कोई आगे नहीं आता है। शहर में चारों बगल नाला ढक चुका है, कहीं पानी का ऑप्शन नहीं है, तो हम सारे लोगों से आग्रह करते हैं कि सरकार और निगम के ऊपर मत छोड़िए, आप खुद से आगे आइए और मानवता दिखाइए, कहीं जानवर को पिलाइए, कोई पशु को पानी पिलाइए,